हमारा ये ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमय है। हम लोग जितना इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही रहस्यमय बनता जाता है। हम लोग इस वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसे बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे, और इसे जानने के बाद आप ये सोचेंगे कि हाँ, हमारा ये ब्रह्मांड सच में अमेजिंग है। सो लेट्स एक्सप्लोर 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। नंबर 5, डार्क मैटर। सदियों से हम यही सोचते हुए आए हैं कि ये ब्रह्मांड उन्हीं पदार्थ से बनी हुई है जो हमें जनरली दिखाई देती है। अगर शॉर्ट लेवल पर बात की जाए तो वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर साइंस तरक्की करते रह गई, और अब हमें ये पता चला है कि यूनिवर्स सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं जो आपको दूर दूर तक आसमान में दिखाई देती है, जैसे चांद, तारे, एस्ट्रॉयड, प्लैनेट और ये इनफाइनाइट स्पेस। ये तो यूनिवर्स के सिर्फ 5% है, सिर्फ 5। बाकी 95% यूनिवर्स तो डार्क मैटर का बना हुआ है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। पर डार्क मैटर की प्रॉब्लम यह है कि इसे हम खाली आंख में नहीं देख पाएंगे, और सबसे मेन बात तो यह है किसी साइंटिस्ट ने अभी तक इस मैटर को पूरी तरह से समझा नहीं पाया, और ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 4, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। साइंटिस्ट ने सदियों से ये पता करने की कोशिश की है कि ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है, पर कंक्लूजन ये निकल के आती है यूनिवर्स की कोई अंत नहीं है। रिसेंट टेक्नोलॉजी से हमें ये पता चला है कि इसकी साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, पर 1929 में एडविन हबल ने ये पता किया है कि यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो रही है, और वो भी बहुत ही फास्ट रेट से। तब सब कुछ बदल गया। ये यूनिवर्स सिर्फ एक्सपेंड ही नहीं हो रही है, ये तो एक्सेलरेट भी हो रही है, और इस एक्सपेंस की रफ्तार हमेशा बढ़ती ही रहेगी। एनर्जी ऑफ द सन। सूर्य का साइज धरती से करीब 109 गुना ज़्यादा है, पर सूरज एक्चुअली इतना ऊर्जा पैदा करता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए ऊर्जा पैदा करते हैं। अगर हम सारे पेड़ पौधे के एनर्जी को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मानव जाति के शुरू से लेकर अंत तक जितनी पावर एनर्जी यूज़ होगी उससे 6 गुना ज़्यादा तो ये पेड़ पौधे सूर्य के ऊर्जा को यूज़ करते हैं। अगर हम सूरज से निकलते हुए एक दिन की एनर्जी को भी कलेक्ट कर ले तो उसे हम सालों तक यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आजकल अलग अलग जगह पर सोलर पैनल यूज़ किया जाता है, इजंट इट, ताकि हम सूरज की चौंका देने वाली एनर्जी की शक्ति पर कब्जा कर सकें। द मोस्ट मिस्टीरियस सिग्नल फ्रॉम स्पेस, द वाव सिग्नल। हम लोग स्पेस को कई दशकों तक सुनते आए हैं, और हमें क्या मिला है? घंटा। वेल, सिर्फ एक रहस्यमय घटना को छोड़कर अगस्त 15, 1977 को वाई की एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक सिग्नल यानी संकेत को कैच किया जो स्पेस से आ रही थी। वो स्पेस तरंगों का एक नियमित स्रोत था, ऐसे तरंगों जो शायद एलियंस हमें भेज सकते हैं। उन सारे लेटर्स और नंबर्स को स्टोर कर लिया जो वो तरंग में थी। फिर उस सिग्नल को एस्ट्रोनॉमर जेरी एमोन ने देखा, और उन्होंने कागज पे सिर्फ एक शब्द को लिखा, और वो था वाव। इस घटना ने उस एस्ट्रोनॉमर्स को इतना उत्तेजित कर दिया था कि उसके बाद सालों तक वैसे ही और कई सिग्नल की उम्मीद की जा रही थी, पर उस दिन से लेकर आज तक कोई सिग्नल वापस नहीं आई। यह भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, इफ यू टू मेटल टच इन स्पेस दे सिंपली फ्यूज। अगर आप स्पेस में एक ही मेटल यानी धातु के दो पीसेस को ले जाओगे और अगर उसे एक बार के लिए सटा दोगे तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। इस फेनोमेनन को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ये फेनोमेनन धरती पे हवा होने की वजह से नहीं होती, क्योंकि धरती पे दो मेटल के बीच एक ऑक्सीडाइज लेयर आ जाती है जो दोनों मेटल को जोड़ने से रोकती है। पर अगर आप वही स्पेस में करोगी तो वो धातु के दो टुकड़े कंटिन्यूस एक टुकड़े में हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना और ऑन करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।